हेलो। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप करेंगे हम हेलो। हाँ जी, अब हम करेंगे टाइप फोर, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इफ एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है जी, पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग लॉग एक्स की पावर वाई लॉग वाई की पावर एक्स। हेलो। हाँ जी, लॉग एक्स की पावर वाई वाई की पावर लॉग वाई की पावर एक्स बन जाएगा वाई लॉग एक्स एक्स लॉग वाई। प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सारा खेल सिंप्लीफिकेशन का है। लो जी, ठीक है जी, डी वाई बाय डी एक्स से डी वाई बाय डी एक्स वाले को मिला लो, ये हो जाएगा लॉग एक्स डी वाई बाय डी एक्स got it, dy by dx common ले लो, y log x minus x over y, x log y minus y over x, dy by dx y by x, x log y minus y over y log x minus x। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, ध्यान रखना। ठीक है ना, एक क्वेश्चन जरूर आया होता लॉग वाला। लॉग एक ऐसा मेथड है जो क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर देता है, जो क्वेश्चन को क्या कर देता है, सिंपलीफाई कर देता है। जैसे नेक्स्ट देखो, इफ एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर वाई ई एक्स की पावर e की पावर x माइनस वाई, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग
log x की पावर y log e की पावर x माइनस वाई, ये हो गया y log x, x माइनस वाई log e, log e वन होता है, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। कोशिश करो कि y पहले ही अलग हो जाए, तो सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है। ठीक है जी, y कॉमन ले लो, log x प्लस वन, x ओवर वन प्लस log x। अभी तक सिंप्लीफिकेशन चल रहा था, अभी तक क्या चल रहा था, सिंप्लीफिकेशन। जब आपको लगे कि हाँ अब डायरेक्ट डेरिवेटिव हो, तब dy बाय dx लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, dy बाय dx। क्वेश्चन रूल लगाएंगे, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x इंटू डी बाय डी एक्स माइनस x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x। x का हो गया 1 माइनस इसका हो गया 1, 1 का 0 हो गया, log x का क्या हो गया 1 बाय x, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। लो जी, x x कट गया, 1 प्लस log x माइनस 1, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, जैसे ये देखिए, cos x की पावर y इज इक्वल टू sin y की पावर x। ठीक है, कहते फाइंड dy बाय dx टेकिंग log बोथ साइड। y log cos x, x log sin y, ठीक है, ये फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। लो जी, log cos x का क्या होगा, 1 अपॉन cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ cos x। वन बाय साइन वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, dx पर इसका क्या हो गया 1। ये देखो, y माइनस साइन x बाय cos, cos x का क्या हो गया माइनस x, प्लस log cos x dy बाय dx, साइन का क्या हो जाएगा कॉस वाई, एंड आल्सो डेरिवेटिव ऑफ एंगल लॉग साइन। लो जी, प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, एक्स कॉट वाई डी वाई बाय डी एक्स लॉग।
लोज log cos x dy by dx minus x cot y x cot y log sin y ठीक है जी। देखिए जी एक और देखिए, ये पेपरों के लायक क्वेश्चन है, पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अगर कॉपी ना किया हो तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। देखो जी होमवर्क में लिख लेना है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। इफ एक्स वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू टू डीवाई बाई डी एक्स, तो इसको यू मान लो, इसको वी मान लो, ये हो गया टू, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। u is equal to x की पावर y टेकिंग log बोथ साइड, y log x, log u होगा 1 बाई यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो du बाई डी एक्स हो गया u y by x plus log x dy by dx, u को replace कर दो, x की power y v लो जी, v आपका है taking log both side, no, 1 by v into d by dx of v. log का 1 by y और y का एंगल का करेंगे d by dx of y, ठीक है जी, log y into direct ठीक है जी। अब क्या करो, दोनों को ऐड, ठीक है जी, सिंपलीफाई करते जाओ, y इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा जी, y माइनस वन x की पावर y log x dy by dx, ये हो जाएगा
वाई एक्स की पावर माइनस वन इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई की पावर एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाला पोर्शन अलग कर लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू ठीक है जी, एनी डाउट? कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए अच्छे से। ठीक है जी, ये हो गया, टाइप फोर तक हो गया, होमवर्क में लिख लीजिए क्वेश्चन। साइन एक्स की पावर वाई कॉस वाई की पावर एक्स फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। और एक करिए पर थ्री माइनस x माइनस वन इज इक्वल टू फोर फाइन डी वाई बाय डी एक्स। लिखिए टाइप फाइव, टाइप फाइव लिखिए। ठीक है जी, देखिए y की, y की पावर x e की पावर x माइनस y शो दैट dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस लॉग वाई ओवर टू माइनस वन माइनस लॉग वाई का स्क्वायर टू माइनस लॉग वाई। ध्यान से देखो, राइट में क्या चाहिए, वाई, तो फंक्शन एक्स का बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड x log y x माइनस वाई लॉग, राइट का आंसर देखना पड़ता, राइट में आंसर क्या है y की, तो हमें बनाना पड़ेगा x का फंक्शन, log e वन हो गया,
लॉज, ये आप x log y इज इक्वल टू, तो y को इधर ले आओ, x माइनस x log y, x कॉमन ले लो 1 माइनस log y, y ओवर 1 माइनस log y, इट ऑल डिपेंड्स, क्वेश्चन जरूर देखो आंसर में राइट पे क्या दे रखा है, जैसे y दे रखा है, फंक्शन किसका बनेगा, x का, सो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स बाय डी वाई। क्वेश्चन टू लगाएंगे, डी बाय डी वाई ऑफ वाई माइनस वाई इंटू डी बाय डी ऑफ वन माइनस लॉग वाई, क्लियर? वन का जीरो हो गया, लॉग वाई का क्या हो गया, वन बाय वाई इंटू डी बाय डी वाई, ऊपर स्क्वायर नहीं जाएगा, सॉरी ऊपर स्क्वायर कैसे जाएगा, वाई से वाई कट गया, ठीक है जी, रिवर्स कर दीजिए, आंसर को भी देखना पड़ता है क्या मांग रहा है आंसर में, ठीक है ना, उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। कॉपी कर लीजिए, ठीक है जी, लीजिए e की पावर y इज इक्वल टू x की पावर y, शो दैट dy by dx is equal to log y ka whole square divided by log y minus 1, ठीक है, ठीक है जी, इसमें राइट में y x का फंक्शन बनाना पड़ेगा, y log e is equal to y log x, एक मिनट क्वेश्चन गलत, e y
सॉरी क्वेश्चन गलत लिख दिया, ये y की पावर x, x log y, ठीक है जी, log ही 1 हो गया, तो क्या बचा x log y, तो y by log y is equal to x, y by log y. log y का होल स्क्वायर, log y into d by d, क्योंकि हमने किस रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सामने y है तो y के रिस्पेक्ट लगाने पड़ेगा, y into d by d y of log y, log y ये हो गया 1, ये हो गया 1 by y, y से y कट गया, log y minus 1. होमवर्क में दो क्वेश्चन देते हैं इसके, जैसे कि y is equal to, पहले नोट कर लीजिए इसे, लो जी क्या था, इफ y इज इक्वल टू x साइन a प्लस y, शो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x sin a plus y sin a cos a plus y is equal to 0 ठीक है जी, दो क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे। ये दो क्वेश्चन होमवर्क के हैं। लिख लीजिए टाइप 6। इफ एक्स की पावर एम वाई की पावर एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर एम प्लस एन, शो दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, ठीक है जी, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो जी, मैं एक क्वेश्चन करा दूं, तीन क्वेश्चन आप खुद कर लें, तभी बेस्ट रिजल्ट बनता है। अब मैं पांचों के पांचों क्वेश्चन मैं ही करा दूं, तो फिर आपका हाथ कैसे पक्का होगा। तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तीन क्वेश्चन मैं इसके करने के लिए दूंगा, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन पेपर में। ठीक है जी, लो जी,
log m plus log n, m plus n log x plus y. इसे लिख लो m log x n log y. m log x का क्या हो जाएगा 1 by x into d by dx of x, and log y का 1 by y into d by dx of y, 1 upon angle into d by dx of m by x n by y dy by dx, m plus n x plus y, x का 1 हो गया, y का क्या हो गया dy by dx. m by x ठीक है जी. अब dy by dx करो, ठीक है ना. ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर हो जाएगा एम वाई माइनस एन वाई एम एक्स प्लस एन एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कट गया, एन वाई प्लस एन वाई कट गया. लो जी यहाँ क्या कटा एम एक्स एंड एम एक्स, ये बचा डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स ठीक है जी. ये आपस में कट के वाई को उस तरफ शिफ्ट कर दो. देखो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया इतना बढ़िया, अब तीन क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ, इनको अच्छे से कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं होगा. सुपर हिट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में ये. Got it? कॉपी कर लीजिए. ठीक है जी, ये क्वेश्चन आ गया x की पावर p y की पावर q, ये p प्लस q शो दैट जैसे x की पावर a y की पावर b b
x की पावर 17, y की पावर 3, इज इक्वल टू y by x। ये तीन क्वेश्चन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, इसी में आगे चलते हैं। इनफाइनाइट सीरीज, लॉगरिथमिक एक तरीके से खत्म हो जाता है, पर थोड़ा बहुत इसका इसमें यूज होगा। इनफाइनाइट सीरीज, जैसे y इज इक्वल टू x की पावर x की पावर x की पावर x सो ऑन इनफिनिटी। अब देखो इनफाइनाइट सीरीज में इनफिनिटी तक जा रहा होता है, ठीक है जी। अब अगर मैं एक इनफाइनाइट में नंबर तो काउंट हो ही नहीं सकते, अगर आप एक x छुपा भी देते हो तब भी तो वही पोजीशन रहेगी। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x की पावर y, क्योंकि जो y जो है पूरी इनफाइनाइट सीरीज के बराबर है। आपने एक x छुपा ली क्योंकि आपको dy by dx चाहिए, बाकी को क्या लेट कर लिया, y ही है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। log y इज इक्वल टू log x की पावर y log x। log y क्या हो गया, 1 by y into d by dx of y, first into derivative of second log x का क्या हो गया, 1 by x log x dy/dx। ठीक है, जैसे ये देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, तो क्या लेंगे आप इसे, y इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर y, ठीक है जी, taking log both side। और x की पावर हाफ, किसी भी हाफ को भी बाहर ले लो, log m की पावर n क्या होती है, n log m, log y क्या हो जाएगा, 1 by y into d by dx of y, हाफ ऐसी रखो, सेकेंड सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट,
करो, बाय 2x हाफ log x डिवाइड, ये देखो y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, सो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस log e, log e क्या हो गया 1, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। y अपॉन 1 माइनस वाई, ये भी सुपर हिट क्वेश्चनों में आते हैं इनफाइनाइट सीरीज वाले। ठीक है जी, इनफाइनाइट सीरीज वाले भी सुपर हिट क्वेश्चनों में आते हैं। ठीक है जी, डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू वाई ओवर 1 माइनस वाई। देखो एक और देखो, सेलेक्ट कर लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, एक्स प्लस वाई लॉग ए, लॉग ए कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है जी, वन बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, एक्स का हो गया 1, वाई का हो गया डी वाई बाय डी एक्स।
log a, अब dy by dx वाला कंबाइन कर लो, ठीक है जी। चले आगे, अब टाइप टू देखें, जैसे कि टाइप टू रूट एक्स में रूट एक्स में रूट एक्स सो ऑन इन्फिनिटी, तो क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई, रूट एक्स प्लस वाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लीजिए, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। बेसिक पहला एम होता है सिंप्लीफाई करना, ठीक है जी। करेंगे डेरिवेटिव 2y dy by dx 1 प्लस dy by dx, ठीक है जी। वन अपॉन 2y माइनस, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड का, इज इक्वल प्लस डी वाई बाय डी एक्स, cos x over 2y minus 1, ये इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चन है, चार चार नंबर में आते हैं, एक मिनट का क्वेश्चन होता है, सिर्फ एक मिनट। लो जी, रूट में रूट में रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है जी। टू बाय डी वाई बाय डी एक्स हो गया वन बाय एक्स, और ये हो गया डी वाई बाय डी, ठीक है जी। dy by dx कॉमन ले लो, ये क्या बना 2y माइनस 1, लो जी वन अपॉन x 2y माइनस 1, बाकी होमवर्क में लिख लो, ये
नेट सीरीज भी खत्म हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पर आके इनफाइनाइट सीरीज भी खत्म हो जाती है। होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन।